हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं शायद आपको पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे। और मैंने आपसे फिर कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी टॉपिक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकता है। क्योंकि अभी जो फिलहाल ऑनलाइन क्लास लग रही है उसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछने के केवल ये दो ही चांस है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं फेस टू फेस आपके साथ डिस्कस कर लेता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है भाई। क्लियर बात है? तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एटॉमिक मॉडल के बारे में। और इस एटॉमिक मॉडल जो अपने पास जो एटॉमिक मॉडल है इसके सिलसिले को देखते हुए हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, और हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। थोड़ा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको पुरानी बातें थोड़ी याद हो जाएं और आगे की बातों को तरीके सीख पाएं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें क्या किया रदरफोर्ड ने, उसने थॉमसन का एटम लिया, या मैं कहूँगा उसने एटम लिया, उस एटम पर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। यानी उसने क्या किया, जो एटम था उस एटम पर अल्फा किरणों की बौछार की। तो उसने देखा कि जो 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कम एंगल पर घूम रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा कर पीछे आ रहे थे। या मैं कहूँगा अगर आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले हैं तो एक पार्टिकल टकरा कर क्या आ रहा था, पीछे आ रहा था। इस आधार पर रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अपने पास परमाणु होता है उसका जो 99% भाग होता है वो खाली होता है, उस एटम का जो पूरा का पूरा मास है उसके न्यूक्लियस में होता है, जिसे उसने क्या पूरे सेंटर में होता है, जिसे उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर पूरे एटम का मास होगा। और आप जानते हो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका न्यूक्लियस होगा उसमें होंगे प्रोटॉन होंगे, उसमें न्यूट्रॉन होंगे। और आप जानते हो जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर चार्ज 0 होता है, और प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज प्लस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात कही किसने, रदरफोर्ड ने। फिर हमने बताया था, मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे, क्योंकि जो अपने पास, मैंने आपको बताया, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एटम है, इस एटम में यहां पर न्यूक्लियस है, सेंटर में, मान लो आप थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, मैंने बताया था आपको ये आपका एटम है, इस एटम में इस सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस बीच को बीचों बीच होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर फुटबॉल मैच का ग्राउंड है तो फुटबॉल मैच का ग्राउंड तो होता है एटम, उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप सेंटर में जाके एक बॉल रख दोगे तो बॉल क्या कहलाएगी, न्यूक्लियस। अब सोच लो आप कि न्यूक्लियस साइज कितनी बड़ी होती है। क्लियर बात है? तो मैं कहूंगा जो अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, उनकी जो दूरी है इससे न्यूक्लियस से काफी दूर है, मतलब अल्फा पार्टिकल की जो डिस्टेंस है इससे काफी दूर है, इसलिए सीधे जा रहे हैं। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल जिसके पास में आएंगे, तो आप जानते हो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है प्लस, बताओ प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे आके इसको रिपल्सन मिलेगा, और रिपल्सन की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसा ही तो होगा, ये ऐसे घूम जाएगा। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आएंगे वो टकराएंगे, और टकरा कर खा जाएंगे पीछे। टकरा कर पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इस पूरे के पूरे एटम का मास इसके सेंटर में है, तो जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो ये टकरा कर बताओ पीछे आएगा नहीं आएगा। ये बातें मैंने आपसे कही थी, क्लियर है आपको बात, ये बात आप क्लियर है। फिर मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था इन एंगल के ऊपर, किसके बाद बात कर रहे थे कि जो थीटा एंगल होगा, ये जो थीटा एंगल होगा और ये जो थीटा एंगल होगा, इस थीटा एंगल के ऊपर हम बात कर रहे थे। और ये बात तो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बात थी, क्योंकि आप ये मान के चलो कि रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हर एक विद्यार्थी को पता होता है, लेकिन इन एंगल के बारे में हर एक विद्यार्थी को पता नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को अपर लेवल में पढ़ो, ताकि आपको लगना चाहिए कि हम कुछ सीख पा रहे हैं, क्योंकि हमको केमिस्ट्री को रटना नहीं है, हमको केमिस्ट्री को समझना है, सीखना है, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हमको सोल्व आउट करना है। बात क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था इन एंगलों के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ वापस एक बार। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इन एंगल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी, बता देता हूँ एक बार आपको कि आपके पास न्यूक्लियस एटम था, ये आपके पास क्या था एटम, इस एटम के सेंटर में क्या था, अपने पास न्यूक्लियस था। बात क्लियर है? हमको उन लाइनों से मतलब ही नहीं है जो सीधी निकल रही थी, क्योंकि हमको निकालना है एंगल, हमको क्या निकालना है एंगल। तो एंगल कब होगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास में आएंगे, ये पास वाले अल्फा पार्टिकल, तो टकरा कर बताओ इधर जाएंगे ही जाएंगे,
जाएंगे, मतलब इनको जाना तो बिल्कुल सीधा था, जाते तो ये ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाकर बताओ इधर घूम रहे नहीं घूम रहे। और ये थीटा था, ये थीटा बताओ लेस देन 90 होगा कि नहीं होगा, बताया था मैंने आपको कि जो थीटा होगा बताओ 90 से कम होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा 90 से कम? क्योंकि 90 जब होता जब ये अल्फा पार्टिकल इधर आते और इधर जाके ऐसे चले जाते, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आते और इधर जाके ऐसे चले जाते, ऐसे टकरा कर मान लो ऊपर जाते, ऐसे आते और ऐसे चले जाते, तो बताओ ये वाला एंगल जो बनता, ये वाला जो एंगल बनता, ये वाला एंगल बताओ 90 का होता ही नहीं होता। होता कब? जब ये ऐसे जाके ऐसे चले जाते, लेकिन ये ऐसे जाके प्रतिकर्षण के कारण बताओ ऐसे घूम रहे कि नहीं घूम रहे। तो ये जो एंगल होगा बताओ थीटा लेस देन 90 होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा दूसरे के साथ भी हुआ था, आपको एक को बता सकते हो ना आप, दूसरा का बता सकते हो आप दूसरे का, कि ये अल्फा पार्टिकल आया घूमा, जाना तो इसको भी ऐसे ही था, जाता तो ये भी सीधा ही, लेकिन सीधा ना जाके बताओ इधर घूमेगा नहीं घूमेगा। तो मैं कहूँ यहाँ भी थीटा क्या आएगा, लेस देन 90 आएगा ही नहीं आएगा? सेम ही तो कंडीशन है। 90 कब आता? जब ये ऐसे टकरा कर बताओ सीधा आता ही नहीं आता, मतलब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते और ऐसे आ जाते, मतलब ये जो एंगल होता ये 90 का होता। लेकिन हम तो इस एंगल की बात नहीं कर रहे, हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे नहीं आ रहा, अल्फा पार्टिकल जा रहा है और इसके प्रतिकर्षण के कारण, या मैं कहूंगा इस न्यूक्लियस के रिपल्सन के कारण बताओ इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो एंगल होगा बताओ थीटा लेस देन 90 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बताओ मैंने बताई थी। इसके अलावा हमारे पास एक चांस क्या था, एक चांस मैंने आपको बताया था, इधर बना देता हूं मैं आपको, मैंने आपको एक चांस और बताया था, इधर बना देते हैं ताकि आपको दोनों बातें एक साथ समझ में आ जाए। कि हमारे पास एक चांस क्या था कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने जा रहा था इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने, क्लियर बात है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने जा रहा है, तो जाना तो इसको ऐसे था अकॉर्डिंग टू थॉमसन इसको बिल्कुल सीधा निकलना जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा ना निकल के ऐसे घूम रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, हम बात करें इस एंगल के बारे में, हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला है। तो ये क्या था, थीटा ग्रेटर देन 90 था कि नहीं था? 90 ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये पार्टिकल ऐसे आता, अरे भाई अगर ये पार्टिकल अगर ऐसे आता तो ये वाला एंगल कितने का होता, ये वाला 90 का होता ही नहीं होता। लेकिन ये ऐसे जाके ऐसे नहीं आ रहा, ना ही ऐसे जा रहा है, ये टकरा कर यहां से क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब अगर ये इधर जाता 90 होता, इधर जाता तो थीटा लेस देन 90 होता। लेकिन बताओ ये इधर आ रहा ही नहीं आ रहा, मतलब 90 से बड़ा है कौन, तो थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप इन दोनों डायग्रामों को, आपको रदरफोर्ड के बारे में काफी कुछ बातें इन दोनों डायग्राम से पता लग रही होंगी कि इसका मतलब क्या हुआ। ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे अल्फा पार्टिकल, ये क्या थे हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या होते हैं, हीलियम प्लस टू आयन। ये बात तो मैंने आपको बार बार बताई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एटम में से, भाई एटम थॉमसन का हो किसी का हो, एटम तो एटम ही होता है, जब आप एटम में से अल्फा पार्टिकल पास आउट करते हो तो दो तरह के एंगल जनरेट होंगे, एक तो क्या होगा जिसका थीटा लेस देन 90 होगा, और एक क्या होगा जिसका थीटा ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास, 90 किसका होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 कब होगा, जब वो आमने सामने हो जाएंगे, और लेस देन 90 कब होगा, जब उसके पास में से होकर गुजरेंगे, क्लियर बात थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस, देखो आप ध्यान से, जब अल्फा पार्टिकल इसके पास में से जाएगा तो यहां आकर बताओ इसको प्रतिकर्षण लगेगा नहीं लगेगा? तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करेंगे हम, कि ये जो डिस्टेंस थी इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है और इसकी वैल्यू क्या होगी। बात क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये जो एंगल आता है इस एंगल को कहा क्या जाता है और इस एंगल की वैल्यू किस किस पॉइंट पर डिपेंड करती है, उस चीजों की बात करेंगे। और वो टॉपिक जो है थोड़ा अपर लेवल का है और हमको उस टॉपिक को सीखना है। बात क्लियर है? तो बिना बात किए मैं स्टार्ट करता हूं। ये दोनों टॉपिक तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये दोनों टॉपिक आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। सुनो भाई बात ध्यान से, इसके आगे की बात कर रहे हैं हम। नोट डाल के लिख सकते हो आप बात को, नोट कह सकते हो, या आप कह सकते हो एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड, या राफ से बोल सकूं शॉर्ट में बोल सकते हैं राफ से जानते हो क्या होता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं राफ से शॉर्ट में, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एडवांस कॉन्सेप्ट। और इस एडवांस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे इस एंगल के बारे में। इस एंगल को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री एंगल। क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री एंगल, ये ट्रेजेक्ट्री एंगल कहलाता है भाई। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री एंगल। क्लियर बात है? अब सुनो बात ध्यान से, इसके अंदर हम दो तीन बातें पढ़ेंगे। कौन कौन सी बातें, एक तो हमको ये देखना है कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। यानी आपका जो एंगल बनता है ना, आप कहते हो कि सर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं इधर घूम रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ऐसे टकरा कर इधर आ रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यानी वे कौन कौन से कारक होंगे जो इस एंगल के मान को प्रभावित करेंगे, उनके बारे में सीख रहा है हमको। और हमको ज्यादा कुछ बातें उनके बारे में
डिस्कस नहीं करनी, हमको सीधे फॉर्मूले पता होना चाहिए जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं। हमको उनका रिलेशन डेवलप नहीं करना कि कैसे आया, क्यों आया, कब आया, हमको ये पता होना चाहिए जो एंगल होगा, ये जो थीटा एंगल होगा, इसका मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो वो बात बता रहा हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। उससे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको दोनों बातें एक साथ समझ में आ जाए। सुनो ध्यान से बात, अपन बना रहे हैं ट्रेजेक्ट्री। देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, जी अपने पास हो गया अल्फा पार्टिकल, यहाँ बना दो पहले, यहाँ बना देते हैं अपन न्यूक्लियस। ये क्या अपने पास, जी हमारे पास है जी न्यूक्लियस। इसे क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे न्यूक्लियस। क्या बोलोगे इसे आप, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस वर्ड किसने यूज किया था, न्यूक्लियस वर्ड यूज किया था भाई रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में। और मैंने आपसे कहा था रदरफोर्ड ने प्रोटोन न्यूट्रॉन का नेम दिया था, इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया था, स्टोनी ने। और प्रोटोन न्यूट्रॉन का नेम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। प्रोटोन की डिस्कवरी किसने की थी, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था, नेगेट्रॉन बोला था। और इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोनी दिया था। बताया आप, ये बात थी मैंने आपको काफी दिन पहले जो लेक्चर थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है भाई, इसको क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे आप न्यूक्लियस। क्या बोलोगे इसे, इस न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब सुनो, यहाँ बना रहा हूँ मैं अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्ट्री, कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है और जा रहा है। देखो ये आ गया हमारे पास अल्फा पार्टिकल, आ गया अल्फा पार्टिकल, रिपल्सन मिलेगा इसको, और रिपल्सन की वजह से बताओ ऊपर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा। ये कौन आ रहे, ये आ रहे हमारे पास अल्फा पार्टिकल। कौन आ रहे हैं जी, ये आ रहे हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल। क्लियर बात है, ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। जाना तो इनको ऐसे था, जाते तो ये ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर ये इस एंगल पर घूम गए। ठीक है, और ये थीटा क्या था, लेस देन 90 था कि नहीं था। अच्छा इधर आ जाओ, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे, दो तरह के केस थे ना भाई, दो तरह के केस थे। एक केस तो क्या था कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होंगे वो रिफ्लेक्टेड होंगे और इस एंगल पर घूम जाएंगे, और एक केस क्या था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल आमने सामने होंगे। तो जाना तो इनको भी ऐसे ही था, जाते तो ये भी ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं जाके टकराएंगे, पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। और ये एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल था अपने पास थीटा। ये बात की थी, ये बात की थी, देखो आप ध्यान से डायग्राम को, ये बात की थी मैंने इससे पहले रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। इस ट्रैजेक्टरी एंगल की बात कर रहा हूं भाई मैं, ध्यान रखना, इस ट्रैजेक्टरी एंगल की बात कर रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी एंगल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी एंगल, इसे क्या बोलते हैं ट्रैजेक्टरी एंगल। क्लियर बात है, ये भी ट्रैजेक्टरी एंगल होगा और ये भी क्या होगा हमारे पास, ट्रैजेक्टरी एंगल। दो तरह केस होंगे ना भाई, दो तरह के कौन कौन से होंगे, कि अल्फा पार्टिकल आया यहां से, प्रतिकर्षण मिला उसको और घूम गया ऐसे, और एक केस क्या होगा, सामने से आएगा टकराकर पीछे आ जाएगा, थीटा लेस देन 90, और ये क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, और ये क्या होगा, थीटा लेस देन 90। दो ही तो केस होंगे, अभी डिस्कस किए थे मैंने आपके साथ, बात समझ में आ रही है आपको, बातें क्लियर है आपको। अब सुनो बात ध्यान से, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एन थीटा, इसे बोलते हैं एन थीटा। समझिए थीटा क्या है, ये है एन थीटा। एन थीटा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल द्वारा उत्पन्न एंगल। ये अल्फा पार्टिकल गया, उसके द्वारा ये एंगल जनरेट हुआ, उसे क्या बोलते हैं, एन थीटा। इस एन थीटा का जो मान है वो डिपेंड करता है भाई एन आई पर। किस पर डिपेंड करता है, यानी एन थीटा का मान एन आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा, हिंदी में बात करें तो समानुपाती। ये एन थीटा क्या है, एन थीटा है ट्रेजेक्ट्री एंगल। कौन सा एंगल है, ये ट्रेजेक्ट्री एंगल है भाई। ये थीटा जो है वो एन आई के समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती, या मैं कह सकता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन आई के। अब तुम्हारे दिमाग में सक्रिय हो रहा होगा, सर एन आई क्या होता है, अभी बात आपको समझ में आ जाएगी एन आई क्या है, और भी बातें लिखने वाला हूं यहां पर, लेकिन ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना इस बातों को। यही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एन थीटा है इसकी वैल्यू जो है एन आई पर, एन आई की सीधी समानुपाती होती है। एन थीटा की जो वैल्यू है वो जेड स्क्वायर, जेड बराबर क्या होता है पता होगा आपको जेड के बारे में, जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु क्रमांक। क्या होता है जेड बराबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के समानुपाती, ध्यान रखना जेड स्क्वायर है ये, ये क्या है अपने पास जेड स्क्वायर। तो एन थीटा की जो वैल्यू है एन आई की सीधी समानुपाती होगी, जेड स्क्वायर की सीधी समानुपाती होगी, और एन थीटा की जो वैल्यू है, एन थीटा की जो वैल्यू है वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर, वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर की सीधी समानुपाती होगी। इसके अलावा एन थीटा की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी वन अपॉन साइन फोर थीटा बाई टू। ये देखो ये जो बातें हैं वो बातें हैं ट्रेजेक्टरी एंगल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। किसके बारे में, ट्रेजेक्टरी एंगल के बारे में, कि आपका जो ट्रेजेक्टरी एंगल होगा, देखो लेवल थोड़ा आप रखेंगे अपन, लेकिन आपको समझ में पूरी बातें आएंगी। ये जो आपका ट्रेजेक्टरी एंगल होगा वो इन चार टॉपिक पर डिपेंड करेगा, कि एन थीटा जो है एन आई की सीधा समानुपाती है, एन थीटा जो है वो जेड स्क्वायर की सीधा समानुपाती है, एन थीटा जो है काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और एन थीटा जो है वो साइन फोर थीटा बाई टू के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसके ऊपर के मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, लेकिन आप ये समझो कि जो ट्रेजेक्टरी एंगल है
ये जो ट्रेजेक्ट्री एंगल है इसका मान चार बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी बातों पर? ये एनआई का सीधा समानुपाती होगा, यानी एन थीटा की जो वैल्यू है एनआई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। एन थीटा की वैल्यू है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होगी। एन थीटा की जो वैल्यू है वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होगी। और एन थीटा की जो वैल्यू है वन अपॉन साइन फोर थीटा बाई टू के भी क्या होगी? समानुपाती होगी। अब बात क्लियर। अब मैं इसको डिस्कस कर देता हूं कि एन थीटा क्या है। यहां पर एन थीटा बराबर क्या है? यहां पर एन थीटा है भाई ट्रेजेक्ट्री एंगल। क्या है जी? ये अपने पास है ट्रेजेक्ट्री एंगल। एन थीटा क्या है जी? ट्रेजेक्ट्री एंगल, जो एंगल आपने लिया है। सुनो, एन आई बराबर क्या है? एन आई बराबर क्या है? एन आई बराबर क्या है? जितने अल्फा पार्टिकल आपने डाले हैं। एन आई बराबर क्या है? कि आपने कितने अल्फा पार्टिकल की बोछार कराई है। तो मैं कहूंगा एन आई बराबर क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड। समझ गए ना? हिंदी बात समझ आ रही है आपको? लिख तो मैं यहां पर इंग्लिश में रहा हूं लेकिन बोल हिंदी में रहा हूं। सुनो बात ध्यान से। एन थीटा क्या है? एन थीटा है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री एंगल, कि ये एंगल आपने कितना लिया है। एन आई बराबर क्या है? क्योंकि हम देखते हैं एन आई की क्या सीधा समानुपाती। एन आई बराबर क्या है? कि आपने कितने अल्फा पार्टिकल इस एटम के ऊपर डाले, यानी आपने परमाणु के ऊपर कितने अल्फा पार्टिकल की बोछार कराई है। अगर आपने 10 अल्फा पार्टिकल डाले तो उसके एन थीटा का मान क्या होगा? 10 होगा, मतलब 10 होगा। अगर आपने दोगुनी कर दी, अगर आपने अल्फा पार्टिकल की संख्या दोगुनी कर दी तो जो एंगल आएगा उसका मान भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर अल्फा पार्टिकल डाले जाने वाले अगर अल्फा पार्टिकल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो ये जो ट्रेजेक्ट्री एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोगुना? क्योंकि एन थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एन आई पर। जैसे जैसे एन आई बढ़ेगा वैसे वैसे एन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। भाई बात क्लियर है? यानी अगर आपने अल्फा पार्टिकल ज्यादा डाले तो एन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रही है? तो एन थीटा क्या है? ट्रेजेक्ट्री एंगल। एन आई बराबर क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड। तीसरी बात, जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसे हिंदी बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जानते हो ना, अगर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, सुनो, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो एन थीटा जो वैल्यू है वो दोगुना हो जाएगा। जैसे मान लो दोगुना क्या? चार गुना हो जाएगा। अगर मान लो परमाणु क्रमांक आपने दोगुना किया तो एन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार गुना। अरे होगी कि नहीं होगी? दिख रहा है आपको फॉर्मूले से? क्योंकि जेड स्क्वायर के समानुपाती है तो इसको दोगुना करोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चार गुना हो जाएगी अपने आप। सीधी बात। चलो, के बराबर क्या होता है? इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। पर इलेक्ट्रॉन है ना, अल्फा पार्टिकल मूवमेंट पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी। क्या होगा इसके? इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे दोगुना करोगे तो ये चार गुना कम हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी को आप दोगुना करोगे तो इसकी वैल्यू चार गुना कम हो जाएगी। और यहां पर थीटा बराबर क्या है? थीटा तो एंगल है हमारे पास जो आपको दिया जाएगा कि थीटा बराबर 90 है। जैसे आपने देखा होगा जब हम 10th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपने टेबल बनाई होगी, वो साइन थीटा वाली, 0, 30, 45, 60, 90 वाली, वो वाली वैल्यू पुट करेंगे उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसके बारे में था? ये बात थी भाई ट्रेजेक्ट्री एंगल के बारे में। ध्यान से देख लीजिए आप बोर्ड पर, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। कि जो ट्रेजेक्ट्री एंगल है वो जितने अल्फा पार्टिकल आप डाल रहे हो उसकी संख्या के समानुपाती होता है, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के समानुपाती होता है, काइनेटिक एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साइन फोर थीटा बाई टू के क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। बात क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को। बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो पहले आप इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए कि जो ट्रेजेक्ट्री एंगल जो हमारे पास है उसका मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देख लीजिए भाई आप कि जो आपके पास ट्रेजेक्ट्री एंगल है इसका मान जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री एंगल है इसका जो मान होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्लियर है बातें? ये ट्रेजेक्ट्री एंगल के बारे में बात थी। अभी तक तो मैंने आपको इस एंगल के बारे में बताया, अभी तक तो मेरे को इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार निकाली जाती है। क्योंकि अभी तो मैंने आपसे कहा है, अभी तक हम बात कर रहे हैं राफ्से के बारे में, अभी तक हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है। यानी अभी तक जो चल रहा है वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अब वो अपना मॉडल देगा, यानी उसके जो मॉडल, जैसे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था ना कि परमाणु एक गोला है, उस गोले में धनावेश सममित रूप से वितरित है और ऋणावेश कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित है, ऐसा ही बोलेगा रदरफोर्ड। कब बोलेगा? अभी तो ये बात इस एक्सपेरिमेंट की कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में
रदरफोर्ड अपने मॉडल के लिए कुछ पॉइंट देगा। तो आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस डिस्टेंस के बारे में कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी और रदरफोर्ड के मॉडल के मुख्य बिंदु क्या है, क्योंकि यहां तक आपका रास्ते जो है वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट तक मैंने आपको डिस्कस कर लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये एन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एन थीटा की वैल्यू किन किन बातों पर निर्भर करती है। एन आई के समानुपाती होगी, जेड स्क्वायर के समानुपाती होगी, काइनेटिक एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होगी और साइन 4 थीटा / 2 के भी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आ गई आपको? धन्यवाद।